Hello everyone, so today we are going to start chapter number 7 of class 11th biology which is structural organization in animals. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसमें जो ये हमारे इस पैराग्राफ में दे रखा है कि टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स. टिश्यू क्या होता है आप पढ़ते आ रहे हो काफी जो है लोअर क्लासेस से कि टिश्यू क्या है, एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है. ठीक है, और जो टर्म टिश्यू थी वो सबसे पहले किसने यूज की थी, बायकैट ने यूज की थी 1972 में. जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं चार बेसिक टाइप के टिश्यू. कौन से हैं वो, मतलब ये कहाँ कहाँ पे होते हैं, मतलब ये जो टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और पैटर्न में, ताकि वो एक ऑर्गन बना सके, जैसे कि स्टमक हो गया हमारा, लंग, हार्ट और किडनी एटसेट्रा. जब दो या दो से ज्यादा ऑर्गन एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करें उनके फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं कंबाइन करके. जैसे कि एग्जांपल हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया. जो टिश्यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ब्रॉडली क्लासिफाइड है चार टाइप्स में. एक हो गया एपिथेलियल, एक होता है कनेक्टिव, फिर मस्कुलर और न्यूरल. ठीक है, ये सारे टाइप्स हैं. एनिमल टिश्यूज में अगर मैं बात करूं तो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस मैंने चार बताए हैं, जिसमें कि एपिथेलियल टिश्यू भी फर्दर दो में स्प्लिट है, एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू और दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू. और जो एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू है वो फर्दर दो में डिवाइडेड है, सिंपल एपिथेलियम, एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम. नेक्स्ट बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की, जिसमें तीन में स्प्लिट है, स्ट्राइटेड मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल. नर्वस टिश्यू की अगर मैं बात करूं वो दो में स्प्लिट है, न्यूरॉन्स में और एक सपोर्टिंग सेल्स में जिसे बोलते हैं ग्लायल सेल्स. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की. ये क्या होता है, जो वर्ड एपिथेलियम है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, रुस्क ने. ठीक है, जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के और जॉइंट होते हैं एक दूसरे से, मतलब बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच में. जो कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिथेलियल मेम्ब्रेन में कौन सा होता है, इंटरसेलुलर जंक्शन होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, जैसे आप देख सकते हो बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे की. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर्स ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ सेल लाइक माइक्रोविला, सीलिया और फ्लैजिला. ये ऐसे ऐसे देखो, ये जैसे आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, तो ये क्या है, सीलिया है हमारे. तो ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या होते हैं, फ्री सरफेस पे, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं. जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलियम में वो टुगेदर हेल्ड होते हैं लीटर इंटर सेलुलर मटेरियल के द्वारा, मतलब बहुत कम स्पेस, बेसिकली वही बात. जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस है वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक इनके जो इंडिविजुअल सेल होते हैं उनके बीच में. ठीक है, कुछ जंक्शंस ऐसा प्रोवाइड करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक. तीन टाइप के सेल जंक्शंस होते हैं, टाइट, एडहेरिंग और गैप जंक्शन. जो टाइट जंक्शन होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टॉप करने में सब्सटेंस को, कि वो लीक ना हो टिश्यू के अंदर से. ठीक है, एडहेरिंग जंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, सीमेंटिंग का जो प्रोसेस होता है, जो सेल्स होते हैं ना आसपास के उनको एक साथ पकड़े, मतलब जगड़ के रखने का. गैप जंक्शन क्या फैसिलिटेट करते हैं, कि जो सेल्स है वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ बाय कनेक्टिंग द जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करके. ठीक है, रैपिड जो ट्रांसफर होता है इसके लिए स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, या फिर समटाइम बिग मॉलिक्यूल्स का, इसके लिए क्या काम आता है, गैप जंक्शन. जो बॉटम लेयर सेल होती है वो रेस्ट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन में. ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी कंपोज होती है, नेटवर्क ऑफ फाइबर की, जो इंक्लूड करते हैं कोलेजन यानी कि मैट्रिक्स में, और एक प्रोटियोग्लाइकेंस. ठीक है, और सीव आर सेलेक्टिव फिल्टर डिटरमाइनिंग विच मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम द अंडरगोइंग कनेक्टिव टिश्यू. टाइप्स की बात करो एपिथेलियल टिश्यू के, कौन से सिंपल और कंपाउंड. ठीक है, बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम की, तो ये कंपोज होता है किससे, सिंगल लेयर ऑफ सेल से, और एवरी सेल रेस्ट ऑन द, और हर एक सेल जो है बेसमेंट पे रेस्ट करता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पे जो सिंपल एपिथेलियम है उसको डिवाइड किया है तीन टाइप में, स्क्वेमस, क्यूबोइडल और कोलम, अपना कौन सा है, कोलमनार. ठीक है, तीनों दे रखे हैं यहाँ पे, ये हो गया अपना स्क्वेमस, ये क्यूबोइडल और ये है कोलमनार. ठीक है, ये है कोलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया. तो नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम की, बात करेंगे सबसे पहले कि स्क्वेमस एपिथेलियम जो है कंसिस्ट करते हैं थिन लेयर किसकी, फ्लैटेंड सेल की, जिसके ऊपर इरेगुलर बाउंड्रीज होती है. ये जो है ब्लड वेसल्स की जो वॉल होती हैं, या फिर आप लंग्स का जो एयर सैक्स होते हैं वहाँ पे ये स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है. क्यूबोइडल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं, सिंगल लेयर क्यूब लाइक सेल्स के. ठीक है, आप अपने डायग्राम में साथ के साथ देखते रहें. कॉमनली ये कहाँ मिलते हैं, जो डक्ट होती है ग्लैंड की और जो ट्यूबुलर पार्ट होते हैं नेफ्रॉन्स के किडनी में. ठीक है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सिक्रेशन और
एब्जॉर्प्शन का। एपिथीलियम जो होता है प्रोक्सीमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल यानी पीसीटी का जो नेफ्रॉन में होता है किडनी के, उसके ऊपर क्या होते हैं माइक्रोविलाई होते हैं। स्पेशलाइज्ड जो क्यूबोइडल सेल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं प्रोड्यूस करने में क्या गैमेट्स, जो कि कहाँ पे मिलते हैं गोनाड्स में मिलते हैं, इनको हम जर्मिनल एपिथीलियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे ओवा, ओवा क्या होता है जो फीमेल का गैमेट होता है, और स्पर्म कौन सा मेल का गैमेट। कोलमनर एपिथीलियम की बात करूँ तो कोलमनर एपिथीलियम जो है कंसिस्ट करते हैं सिंगल लेयर टोल और स्लेंडर सेल्स की, जिनके ऊपर मतलब बेसिली न्यूक्ली लोकेटेड होता है, ठीक है, फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई हो सकता है। तो ये कहाँ पे मिलते हैं, जो लाइनिंग होती है स्टमक की और इंटेस्टाइन की, और हेल्प करते हैं सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में। कोलमनर एपिथीलियम जो होता है वो सिलिएटेड होता है ब्रोंकायल्स में और फेलोपियन ट्यूब्स में। इनका फंक्शन क्या होता है कि वो पार्टिकल्स को मूव करे और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, मतलब पूरे एपिथीलियम के ऊपर। कुछ जो कोलमनर या क्यूबोइडल सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रेशन के लिए, और उनको हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ये मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है भाई यूनिसेलुलर, ठीक है, जो कंसिस्ट करता है मतलब आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, मतलब कुछ एक मतलब सिंगल सिंगल ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है, जैसे गोब्लेट सेल्स हो गए एलिमेंट्री कैनाल के, और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं जो कंसिस्ट करता है क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड में। अब बात करेंगे कंपाउंड किसकी, एपिथीलियम की। कंपाउंड एपिथीलियम में क्या होता है, कंपाउंड एपिथीलियम किससे बना होता है, मोर देन एक लेयर से यानी मल्टी लेयर्ड होता है। इट हैज लिमिटेड, इसका लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में। प्रोवाइड करता है क्या, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। इसको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम भी बोल सकते हैं। कवर करता है जो ड्राई सर्फेस होता है पूरी स्किन का, या फिर जो मॉइस्ट सर्फेस होता है हमारी बकल कैविटी का, ठीक है, फेरिंग्स का, इनर लाइनिंग जो होती है डक्ट की, किसी सलाइवरी ग्लैंड की और पेनक्रियाटिक डक्ट की। डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंपाउंड एपिथीलियम कौन से, एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस यानी जिसको आप बोल सकते हो, दूसरा नाम है केरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केरेटिनाइज्ड एपिथीलियम की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा होगा, स्ट्रेटिफाइड जो स्क्वेमस एपिथीलियम होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बहुत सारी मतलब लेयर्स के द्वारा सेल्स की, मतलब एक टिपिकल फ्लैटेंड सा स्क्वेमस सेल होता है इसके फ्री और आउटर सरफेस पे, ठीक है, जो प्रेजेंस होते हैं कैरेटिन की इन सेल्स के ऊपर कंट्रीब्यूट करते हैं किसके लिए, प्रोटेक्टिव क्वालिटीज जो होती है स्किन की जो कवर करती है बॉडी सर्फेस को। कैरेटिन डेड होता है और वाटर प्रूफ होता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है जो अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं ना उनको ऑब्रेशन और इन्फेक्शन से, एग्जाम्पल हो गया एपिडर्मिस जो होता है स्किन का, ठीक है, लैंड वर्टिब्रेट्स में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केरेटिन एपिथीलियम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो फ्री सरफेस होता है मॉइस्ट होता है, और जो आउटर एपिथीलियल सेल्स होते हैं मतलब उनके जैसे नहीं कि जो स्किन पे मिलते हैं, ठीक है, ये केराटिन भी कंटेन नहीं करते। इस जो ये अपना टाइप के एपिथीलियम होते हैं ये क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव फंक्शन को सर्व करते हैं। कौन सी लाइनिंग में मिलते हैं, जो ओरल कैविटी यानी बक्कल कैविटी की जो लाइनिंग होती है फेरिंग्स की होती है, स्फेगस की होती है, केनाल की होगी, जो लोअर पार्ट होता है यूरिथ्रा का, वोकल कोड में, वजाइना में, सर्विक्स में, जो सर्विक्स क्या होता है जो लोअर पार्ट होगा यूट्रस का, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो तो, कॉर्निया जो होती हैं आइज की। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम में, तो ये प्रोटेक्टिव एपिथीलियम होता है, और इसके पास भी बहुत सारी मतलब मल्टीपल लेयर्स होती हैं कोलमनर सेल्स की, ठीक है, जो मोस्ट सुपरफिशियल सेल होगा ना वही ट्रूली कोलमनर होता है अपीयरेंस में, बाकी नहीं होते। एपिथीलियम जो है इस टाइप के वो रेयर ही मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, जो मेल यूरिथ्रा हो गया, ठीक है, और जो म्यूक्यूस लेयर होती है नियर एनस के पास, जो म्यूक्यूस लेयर होगी वहाँ पे, और ये किसको लाइन करता है, मेमरी ग्लैंड को भी, डक्ट को भी, एपिग्लोटिस को भी, ठीक है, ये सब इसके। कनेक्टिव टिश्यू की अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो इसमें क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जो है मतलब मोस्ट अबंडेंट सपोर्टिंग टिश्यू, मतलब भरपूर मात्रा में सफिशियंट है, ठीक है, तो ये मतलब इनको कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो स्पेशल फंक्शन होता है वो होता है लिंकिंग का, ठीक, कनेक्शन और लिंकेज, ठीक है, दोनों कोरिलेटेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, और सपोर्ट करने के लिए जो अदर टिश्यूज या ऑर्गन होते हैं उनको। 30% के लगभग जो बॉडी मास है वो कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड होते हैं 3 कैटेगरीज में, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो प्रॉपर मैट्रिक्स मतलब प्रॉपर जो होता है जिसमें मैट्रिक्स होता है, सेल होता है, प्रोटीन फाइबर होते हैं, तो दूसरा होगा स्केलेटल टिश्यू, ठीक है, जो कंटेन करते हैं बोन्स और कार्टिलेज, फिर आता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू जिसके पास होता है ब्लड और लिम्फ, ठीक है। अब बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, मैट्रिक्स एक्युमुलेट बिटवीन सेल्स और फाइबर के बीच में मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स एक्युमुलेट का मतलब होता है जो वहां पे इकट्ठा होता है, ठीक है, वहां पे एक मतलब
काफ़ी मात्रा में वहाँ पे एक ही जगह इकट्ठा हुआ रहता है। तो मैट्रिक्स जो है एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है, जो कि मतलब लिक्विड भी हो सकता है जैसे कि ब्लड का एग्जांपल हो, सेमी सॉलिड भी हो सकता है जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि बोन। मैट्रिक्स कंसिस्ट करता है मेनली वाटर को और सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसेक्राइड को, ठीक है। तो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के वो लिविंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, सिक्रेशन के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है उसके सिक्रेशन के लिए। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें फाइब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स, ये सभी आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इनके बेसिस पे, मतलब ये अपना वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इनमें जो है ये क्या है अपना स्प्लिट, मतलब डिवाइडेड है, पर यहाँ पे इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना, हम डायरेक्ट जो है अपना ये पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जिसमें अपना एरियोल और वगैरह है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जो लूज या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके पास बहुत से सेल्स होते हैं और फाइबर होते हैं जो लूजली अरेंज होते हैं एक सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटेंस में। एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जो एरियोलर टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है स्किन के नीचे, बीनीथ द स्किन। ये सर्व करता है एक सपोर्ट फ्रेम वर्क के जैसे एपिथीलियम को, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट कंटेन करता है, फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं वो सेल्स जो प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं फाइबर्स को, उनको बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। मैक्रोफाजिस या फिर मास्ट सेल। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, एडिपोज टिश्यू एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है एरियोलर टिश्यू की, जो कि स्पेशलाइज्ड लार्ज स्फेरिकल फैट सेल से बनी होती है, ठीक है, जो स्किन के नीचे होते हैं या फिर एडिपोसाइट जिसे आप बोल सकते हो। एडिपोस टिश्यू जो होते हैं वो मेनली कहाँ लोकेटेड होते हैं, बीनीथ द स्किन यानी स्किन के नीचे, बोन मैरो में, किडनी में और लीवर में। तो जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि हमारे इमीडिएटली यूज में नहीं आते वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टोर होते हैं एज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को चीफली एक्ट करता है एज फूड रिजर्व्स के तौर पे, या फिर आप कह सकते हो फूड डिपोर्ट्स, ठीक है, स्टोरेज या मेटाबोलिज्म ऑफ लिपिड के लिए। इसके अलावा ये हीट इंसुलेटर के तौर पर भी काम करते हैं, प्रेशर या पुल और पुश एब्जॉर्बर के तौर पर भी ये काम करते हैं, ठीक है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, फाइबर्स और फाइबर प्लास्ट जो होते हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। जो ओरिएंटेशन होती है फाइबर्स की वो एक रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न को शो करती है, जिसको हम बोलते हैं डेंस रेगुलर या फिर डेंस इरेगुलर टिश्यूज। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं रोज में, ठीक है, बहुत सारे जो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर होते हैं उनके बीच में। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो फ्लेक्सिबल लिगामेंट में पाए जाते हैं। जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके पास फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और मेनली फाइबर्स होते हैं, मोस्टली कोलेजन होता है जो कि ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली। जो टिश्यू होते हैं वो स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है वो दो टाइप के होते हैं, येलो इलास्टिक और व्हाइट फाइब्रस, ठीक है। तो जो येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो मतलब मैट्रिक्स के साथ साथ उनमें क्या होता है बहुत सारे क्लोजली पैक्ड येलो या फिर इलास्टिन फाइबर होते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं लेकिन थिकर होते हैं किसके मुकाबले, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके कंपैरिजन में। ये इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब जो वॉल होती है ब्लड वेसल्स की उसे फॉर्म करते हैं, लंग्स की, ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रैकिया, कैप्सूल ऑफ स्प्लीन और ब्रोंकायल्स। ये क्या फॉर्म करते हैं, शीट लिगामेंट्स की, ठीक है। लिगामेंट्स क्या होता है, एक मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइबर टिश्यू होता है, कनेक्ट करता है बोन को बोन से। व्हाइट फाइबर टिश्यू जो होते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू हमारे, वो किसे कनेक्ट करते हैं, कहाँ गया, एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है एरियोलर टिश्यू की, सिर्फ जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में, और सेल्स जो है बहुत मतलब मेनली फाइब्रोब्लास्ट होती है, ये प्रेजेंट होती हैं जॉइंट्स के बीच में, मतलब जैसे स्कल बोन्स वगैरह हो गए उनके जॉइंट के बीच में, और मेक उनको इमूवेबल बनाती हैं, ठीक है। कहाँ, मतलब डर्मिस जो होते हैं हायर मैमल्स के, वहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब बेसिकली टेंडन जो कनेक्ट करती है स्केलेटन मसल को बोन से, वो एक मॉडिफिकेशन है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, जिसमें कार्टिलेज आता है। कार्टिलेज क्या है,
ये इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, ये सॉलिड होता है और प्लायबल होता है, ठीक है, और रजिस्ट करता है कंप्रेशन, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है इजिली, ठीक है, कंप्रेस नहीं कर सकते हम इसे। सेल्स जो होते हैं इस टिश्यू के उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, वो एनक्लोज होते हैं एक स्मॉल कैविटी में, मतलब मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, जो उसके द्वारा सिक्रीट होती हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेज होते हैं वर्टिब्रेट में, एम्ब्रियो में, वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन्स के द्वारा, ठीक है। अडल्ट स्टेज में जो है बहुत सारे ऐसे कार्टिलेज हैं जो जैसी अडल्ट, मतलब जैसी उम्र बढ़ती है अडल्ट फेज में आते हैं तो वो बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्टिलेज जो है वो कहाँ मिलता है, टिप ऑफ नोज पे, आउटर ईयर जॉइंट्स पे, एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, लिम्स या हैंड इन अडल्ट, ये एग्जांपल आपको याद रखने हैं सबके। कार्टिलेज क्या है, एक ए वेस्कुलर और न्यूट्रिएंट्स, मतलब ए वेस्कुलर होता है सबसे पहले, और जो इसमें न्यूट्रिएंट्स है वो डिफ्यूज हो जाते हैं मैट्रिक्स के थ्रू। जो मैट्रिक्स होती है कार्टिलेज की वो कंसिस्ट करती है ग्लाइकोप्रोटीन मटीरियल, ठीक है, कोंड्राइटिन सल्फेट नाम का और केरेटिन सल्फेट नाम का। तीन मेन मेन टाइप के कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन इलास्टिक और फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज कैसा होता है, इलास्टिक कंप्रेसिबल टिश्यू होता है जो लोकेटेड होता है बोन्स के एंड पे, नोज पे, ब्रोंकाई पे और लेरिंग्स पे, मतलब ऐसे, मतलब एग्जांपल याद रखना है। इनसाइड बोन जो है हाइलिन कार्टिलेज सर्व करता है एज अ सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, या फिर मतलब बोन ग्रोथ के में हेल्पफुल होता है हाइलिन कार्टिलेज बोन के अंदर। कैल्सिफाइड कार्टिलेज जो होता है वो फॉर्म होता है कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज के द्वारा। ये कहाँ मिलता है, सुप्रास्कुलर और जो प्यूबिस होता है फ्रॉग में, वहाँ पे मिलता है ये। इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो मेंटेन करता है शेप और फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गन की, और स्ट्रेंथन करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है इन स्ट्रक्चर को। येलो इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, और एपिग्लोटिस जो होता है, यानी एपिग्लोटिस वो होता है भाई जो आपके, जब आप खाते हो, जो आपका ओस्फेगस होते हैं वहाँ पे एपिग्लोटिस लगा होता है, ताकि मतलब आपकी विंड पाइप में होता है बेसिकली ये, ताकि जो खाना है वो आपकी विंड पाइप में ना जा पाए, ये एपिग्लोटिस उस दौरान बंद हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइबर्स कार्टिलेज, जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है, किसके प्रेजेंस के कारण, कोलेजन फाइबर्स के प्रेजेंस के कारण। ये कहाँ मिलता है, प्यूबिक सिम्फिसिस ऑफ मैन में, और जो इनवर्टिब्रल डिस्क होते हैं वहाँ पे फाइब्रो कार्टिलेज लैक करता है पेरिकोंड्रियम, ठीक है, पेरिकोंड्रियम इसमें नहीं मिलता। बोन्स की बात करेंगे, टाइप ऑफ हार्ड एंडोस्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, कैल्शियम सोल्ट में रिच होता है, कोलेजन फाइबर होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। बोन एक मेन टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, और बोन सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यूज और ऑर्गन्स को। जो बोन सेल्स होते हैं जिसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, उन वो प्रेजेंट होते हैं स्पेसिस में जिसको बोलते हैं ल्यूकेनी। बोन सेल्स जो होते बोन सेल्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट यानी जो बोन फॉर्मिंग सेल होते हैं, ऑस्टियोसिस्ट, ऑस्टियोसाइट्स जो बोन मेंटेनिंग सेल होते हैं, होता है ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन क्लीनिंग सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं कोलेजन फाइबर्स को और मैट्रिक्स ऑफ बोन को, और उन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जो होते हैं वो इनएक्टिव बोन सेल होते हैं, बोन सेल होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेनेंस के लिए किसकी, मैट्रिक्स की, और मतलब सिक्रीट भी कर सकते हैं और रिजॉर्ब भी कर सकते हैं किसको, मैट्रिक्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड की, ब्लड क्या होता है, एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कंटेन करता है प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड होता है जो कि मदद करता है किसके ट्रांसपोर्ट में, वेरियस सब्सटेंस की। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है 5% बॉडी का सेट, ठीक है, 5% बॉडी के वेट का। ये रिप्रेजेंट करता है ब्लड के मेट्रिक्स को। प्लाज्मा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, 55-60% जो है ये फॉर्म करता है बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं वो 40-50% जो है ब्लड का बनाते हैं, और तीन टाइप के होते हैं, दैट इज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं या जिसे आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हो, हालांकि हम इस चैप्टर में इतना ब्लड में ब्लड डिटेल में नहीं जाना, 17 और 18 चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, तो हम आगे मूव करते हैं मसल टिश्यू पे, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप अच्छे से पढ़ते हो। मसल टिश्यू जो है वो लॉन्ग एक्साइटेबल सेल्स की बनी होती है, या फिर मसल फाइबर जिसे आप कह सकते हो, जो कैपेबल होते हैं मतलब कंसिडरेबल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट होना, मतलब साइज कम होना और फिर एक्सटेंड होना। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो मैकेनिकल वर्क को कैरी करते हैं बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, उनको कॉन्ट्रैक्ट करके, जो कि इन्वॉल्व करते हैं शॉर्टनिंग और स्ट्रेंथनिंग थिकनिंग ऑफ इट्स फाइबर। दो प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन पार्ट होते हैं मशीनरी का, और एटीपी जो है इमीजिएट एनर्जी सोर्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये भी आप आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ते हो, दैट इज 20 चैप्टर, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ते हो भाई, ब्लड के बारे में, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीटरी और अपना मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, ये सब पढ़ते हो उधर आप मसल की।
नेक्स्ट बात करेंगे स्केल्टन मसल टिश्यू की। तो ये क्या होता है, क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केल्टन बोल से और कंट्रोल करते हैं मोटर मूवमेंट को और पोस्चर को। स्केल्टन मसल जो है वो अकॉर्डिंग टू आर मतलब हमारी विल पे ही काम करती है, वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री वो होता है जिसके ऊपर हमारा काबू हो, तो हमारे जो स्केल्टन मसल टिश्यू होते हैं वो वॉलेंट्री होती है नेचर में। स्केल्टन मसल्स को हम क्या कहते हैं, मतलब ये स्ट्राइटेड मसल्स भी बोली जा सकती है क्योंकि इनके सेल्स के पास ट्रांसवर्स स्ट्राइप्स होते हैं। इतना इससे ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बस स्मूथ मसल्स की कर लेंगे तो ये सेल्स हो, ये क्योंकि भैया आप 12th क्लास में पूरा चैप्टर है वहाँ पे अच्छे से डिटेल में समझते हो, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ बेसिक बातें बता रखी है, दो चार देखो बिल्कुल इतने में खत्म कर रखा है, डायग्राम दे रखा है, यहीं से आप समझ लो बस। स्मूथ मसल टिश्यू क्या होते हैं, जो ये होते हैं सेल्स जो होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू के, वो स्पाइंडल शेप के होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। देखो जैसे आप देख पा रहे हो पॉइंटेड जो इनके एंड्स हैं। स्ट्राइशंस जो है इसमें एबसेंट होते हैं ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो इसमें जो स्ट्राइशन है इसमें स्ट्राइशंस नहीं है, स्टार्टेड नहीं है ये, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के अरेंजमेंट के कारण। सेल जंक्शन जो है इसको इनको एक साथ रखते हैं और दे आर बंडल टुगेदर, मतलब ये एक साथ जो है ऐसे देखो जैसे बंडल्ड है ना एक साथ ऐसे रहते हैं कनेक्टेड टिश्यू शीथ में। जो वॉल होती है इंटरनल ऑर्गन की जैसे कि भाई ब्लड वेसल स्टमक और इंटेस्टाइन की कंटेन करती है इस टाइप की मसल टिश्यू को। स्मूथ मसल जो होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, यानी हमारे विल में नहीं होती इनकी फंक्शनिंग। जैसे कि एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई सिलरी मसल जो हो गई जो लार्ज आर्टरीज की होती है, ठीक है। सिंगल यूनिट में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओविडक्ट, इन सब की। कार्डिक मसल टिश्यू की बात करूँ तो ये इनवॉलेंट्री होती है, क्रॉस स्ट्राइटेड होती है, नॉन फिटिक्ड होती है। देखो क्रॉस स्ट्राइटेड है ये, ठीक है, क्रॉस स्ट्राइटेड। ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड, मतलब इनके पास ब्लड भरपूर मात्रा में होता है, अच्छा खासा होता है। कार्डिक मसल टिश्यू जो है कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, जो उसको मायोकार्डियम बनाता है। कार्डिक मसल कभी भी थकती नहीं है भाई, देखा आपने कभी हार्ट भाई बीट करता करता थक गया हो, ऐसा हो तो भाई फिर हार्ट बीट ही रुक जाएगी। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कार्डिक मसल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, जो कि उसको फिटिंग नहीं होने देते। फिटिंग का मतलब होता है थकती नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है, बिकॉज इट रेस्ट एंड वर्क फॉर इक्वल ड्यूरेशन। सेल जंक्शन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं कार्डिक मसल सेल्स के और उसको क्या करते हैं, मतलब एक साथ रखने में मदद करते हैं, ठीक है। नर्वस टिश्यू की बात करेंगे अब, न्यूरल टिश्यूज की। नर्वस टिश्यू ये ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग मैनी बॉडी एक्टिविटीज। आप जानते हो कि भाई ब्रेन ही जो हमारे न्यूरॉन्स हो वही पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। नर्वस टिश्यू जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं कि वो रिएक्ट करे स्टिमुले के ऊपर और कंडक्ट करे उन इम्पल्सिस को, मतलब जो वेरियस ऑर्गन जो होते हैं बॉडी में उनको उनके पास जाए जो कि एक रिस्पॉन्स देते हैं मतलब स्टिमुलस के अनुसार। जो सेल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के वो नर्व सेल्स हम या न्यूरॉन्स उनको बोलते हैं या फिर सपोर्टिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होते हैं नर्वस टिश्यू के उसे फॉर्म करते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, लार्जेस्ट सेल होते हैं बॉडी के, ठीक है, याद रखना है। न्यूरॉन्स कंसिस्ट करते हैं लार्ज सेल बॉडी यानी साइटोन या सोमा, थिन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जिसे बोलते हैं डेंड्राइट या फिर लॉन्ग प्रोसेस एक्सोन, सपोर्टिंग सेल्स जिसे आप कह सकते हो ग्लाइल सेल्स भी जिसे हम कहते हैं, वो न्यूरॉन्स को मतलब न्यूरॉन से बाइंड करती है मतलब टुगेदरली और इंसुलेट करती है न्यूरॉन्स को। सपोर्टिंग सेल्स जो ग्लाइल सेल जिसे हम कहते हैं वो CNS में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि डिवाइडेड होता है न्यूरोजलिया में, एपेंडाइमल सेल्स में और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स में, ठीक है। अब बात करेंगे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की थोड़ी सी। इसमें थोड़ी सी बेसिक बातें हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी का वो लीवर है जिसका वेट 1 to 2 kg होता है। मैक्सिमम रिजनरेशन पावर होती है, एंडोडर्मल होता है ओरिजन में और राइट साइड जो होती है एब्डोमिनल कैविटी की वहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। ह्यूमंस में 4 lobed लीवर होता है, ठीक है, जो कि आप आगे पढ़ लोगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में ऑर्गन हम नहीं करेंगे। डायरेक्ट अर्थवर्म पे मूव करते हैं, ठीक है। अर्थवर्म की क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मैं अपनी जो है सेपरेटली थोड़ा सा कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगी। आप NCERT से जब पढ़ोगे तो आपको मतलब ये सारी चीज़ें मैं NCERT से ही बोल रही हूँ। क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो जो अर्थवर्म का किंगडम होता है वो एनिमिलिया होता है, फाइलम इसका एनिलिडा होता है। एनिलिडा वो होते हैं मतलब जिसमें सबसे पहले ट्रू सेगमेंटेशन थी, मतलब इसमें ट्रू सेगमेंटल वर्म होते हैं। PYQ भी आया था एक बार इसके ऊपर। क्लास इसकी ओलिगोकेटिया होती है, जीनिस इसका फेरिटेमा होता है और स्पीसीज
फोस्थिमा होती है। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है क्योंकि ये जो पोरोसिटी होती है सोइल की उसको इंक्रीज कर देता है, मतलब उसको एरी बना देता है बेसिकली। वर्म कैस्टिंग्स इसको बोला जाता है क्योंकि इसके जो फीकल पेलेट्स होते हैं अर्थवर्म के उसको बोलता है वर्म कैस्टिंग्स। डिकम्पोजिशन के लिए काम होता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, फ्रेगमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर देता है किसका, डेट्रिटस का। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे हो मतलब ये पूरा इसका यहाँ पे जो है डाइसेक्शन करके बता रखा है, ये नेमिंग वगैरह, ये ऊपर प्रोस्टोमियम होते हैं जो भी है, ये सेगमेंटेड होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट्स इसमें होते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो रेडिश कलर में होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है प्लाज्मा में, आरबीसी के, मतलब आरबीसी में ना होके प्लाज्मा में डिजोल्व होता है हीमोग्लोबिन। बॉडी सेगमेंट में बात करें तीन में डिवाइडेड है, प्री क्लिटी क्लाइटीलर रीजन एक होता है, क्लाइटीलर रीजन तीसरा है, पोस्ट क्लाइटीलर क्लाइटीलर रीजन। ठीक है, प्री में बात करें तो 1 से 13 सेगमेंट होते हैं, क्लाइटीलर टीलर में 14 to 16 सेगमेंट होते हैं, यानी 14 से लेके 16 तक। ठीक है, और ये ग्लैंडुलर होते हैं, सिक्रेशन मतलब कुकेन का सिक्रेशन करते हैं। पोस्ट में अगर मैं बात करूँ तो ये क्या होते हैं, 17 तक होते हैं, टिल लास्ट सेगमेंट। इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होते हैं, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि स्किन जो है लाइंड होती है, क्यूटिकल और मतलब मॉइस्ट होते हैं। क्यूटिकल क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बॉडी की बात करूँ डोर्सल और वेंट्रल होती है इनकी। डोर्सल में क्या क्या आता है, मिड डोर्सल हो गया, ब्लड वेसल्स यानी डोर्सल ओटा। वेंट्रल में बात करें तो इसमें आता है स्पर्मेथिकल पोर। स्पर्मेथिकल पोर क्या होते हैं, मतलब ये पाउचेस होते हैं जहाँ पे स्पर्म जो है इनका स्टोर होता है। ठीक है, ग्रूव्स में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि पेयर पूछे स्पर्मेथिका के कितने होते हैं, तो 4 पेयर होते हैं। कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, 5th to 8th सेगमेंट में। स्पर्मेथिकल पोर्स की अगर बात करूँ तो 5th to 9th सेगमेंट तक वो होते हैं। ठीक है, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं पोर्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। सबसे पहले तो हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, जिसमें नर और मादा मेल और फीमेल दोनों एक में हो। ओवरीज फ्यूनल होता है, ठीक है, जो कि वेंट्रल रीजन में होता है यानी 14th सेगमेंट में, जिसको बोलते हैं फीमेल गोनोफोर। फिर आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें 2 पेयर टेस्टिस के होते हैं यानी 10th और 11th सेगमेंट में होता है। स्पर्म स्टोर होता है सेमिनल वेसिकल में, उसके बाद वो जाता है वास्ट डिफरेंस में, वास्ट डिफरेंस से प्रोस्टेट डक्ट में, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में, यानी 17th और 19th में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि वास्ट डिफरेंस और प्रोस्टेट डक्ट दोनों ओपन होते हैं 19th में। किसमें, 19th में ओपन होते हैं ये। नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो क्लोज होता है यानी 2 डिफरेंट होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर इसमें डाइजेशन होती है, माउथ में इंजेशन होता है, माउथ से बकल कैविटी में जाते हैं, बकल कैविटी 1st से 3rd सेगमेंट में होते हैं, फिर फेरिंग्स में, फिर इसोफेगस में जो कि 5th से 7th सेगमेंट में होता है। ठीक है, गिजार्ड, उसके बाद गिजार्ड में, गिजार्ड का काम होता है ग्राइंडिंग का, ठीक है, जो 8th और 9th में होता है, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक में जो है इनके कैल्सीफेरस ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रेशन करती है, न्यूट्रलाइजेस ह्यूमिक एसिड का। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन में हेप्टिक सीका और गैस्ट्रिक सीका होता है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती हैं। टाइफोसोल नाम की एक जो है इसमें टर्म है, जिसका मतलब है जो मिड डोर्सल फोल्ड्स होते हैं ना उसके, उसको बोलते हैं, जो सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है एब्जॉर्प्शन के लिए। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो क्लोज टाइप का होता है, जो ब्लड ग्लैंड्स होते हैं उसको बोलते हैं हीमोफोइसिस। 4th, 5th और 6th ग्लैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में ये मदद करते हैं, आरबीसी नहीं होती, हीमोसाइट होते हैं ब्लड सेल्स में, और प्लाज्मा जो है इसका रेड कलर का होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। हार्ट इसमें प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीशन की बात करूँ तो नेफ्रिडिया के थ्रू होते हैं, जो 3 में स्प्लिट होता है, सेप्टल नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री और फेरेंजियल। ठीक है, ये सब इसमें से बता रही हूँ आपको। तो सेप्टल में क्या होता है, 15th-15th सेगमेंट के बाद होता है, इंटेगुमेंट्री स्कीम में 3rd सेगमेंट के बाद, आफ्टर 3rd सेगमेंट, और फेरेंजियल में फेरेंक्स होता है 4th, 5th और 6th सेगमेंट में। रेस्पिरेशन में बात करें, मोस्ट क्यूटिकल और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होती है। लोकोमोशन बात करें, काइटिन सरफेस होता है, सेटी जिसको बोलते हैं, 1st, 2nd, 3rd और क्यूटिलर रीजन में ये क्या होता है, एबसेंट होता है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन में बात करें तो कीमो रिसेप्टर्स इन पे होते हैं। ठीक है, और जो पायोसोम होते हैं, पायोसोम जो होते हैं डोर्सल साइड पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बाद। ठीक है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की बात करूँ, रिप्रोडक्शन हर्मोफ्रोडाइट होते हैं हम जानते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। क्रॉस और एक्सटर्नल इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, प्रोटो एंड्रियस होते हैं यानी क्रॉस और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, प्रोटो एंड्रियस क्या कंडीशन होती है कि मेल पहले मैच्योर होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, कॉकरोच की। कॉकरोच क्या होता है,
ये क्लास इंसेक्टा से और फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का कॉकरोच हो सकता है, मतलब ये रिपोर्टेड होते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में। टेरेस्ट्रियल हो सकते हो, ओमनीवोर वगैरह हो गए जो डैम्प प्लेसी प्लेसिस पे रहते हैं, मतलब वर्ल्ड के। और अगर वैसे अगर इसकी बात करें, फाइलम इसका आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा होगा, सब क्लास टेरिगोटा होता है, ऑर्डर इसका ऑर्थोप्टेरा होता है, जीनस पेरिप्लेंटिया होता है और स्पीसीज इसका अमेरिकाना होती है, ठीक है। कॉकरोचेज जो है, ये नेम कहाँ से डिराइव होता है, जर्मन वर्ड क्यूकेरिया कुरैका से, ठीक है। और डे टाइम पे ये इनएक्टिव रहते हैं और हाइड हो मतलब छुपे रहते हैं, जबकि नाइट में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं और इधर उधर दौड़ते रहते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, ठीक है। चार स्पीसीज होती है कॉकरोच की जो कि इंडिया में पाई जाती है, ब्लेटेला जर्मेंशिया और ब्लैटा ओरिएंटेलिस, पेरीप्लांटा अमेरिकाना, पेरीप्लांटा ऑस्ट्रेलियसी, ठीक है। ये चारों यहाँ पे हमारे उसमें पाई जाती है। अब बात करेंगे इनकी मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी में अगर हम बात करें तो जो बॉडी होती है कॉकरोच की वो नैरो होती है, एलोंगेटेड होती है और बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है। कॉकरोच जो है मेटेमेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। अडल्ट कॉकरोच जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 2 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है, ठीक है। ये याद रखना है कि जो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना होता है वो बिगेस्ट कॉकरोच होता है। अडल्ट कॉकरोच जो है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जो निम्फ होती है उसकी व्हाइट होती है कलर में। हेड की बात करें, हेड जो होता है कॉकरोच का वो 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट के फ्यूजन से बना होता है, ट्राइंगुलर और पियर शेप का होता है। इसका हेड जो कवर्ड होता है एक्सोस्केलेटन के द्वारा, जिसको बोलते हैं हेड कैप्सूल, ठीक है। 6 स्केलेटिस से बना होता है ये। बैक जो होता है हेड का, उसके ऊपर एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ओक्यूपाइटल फोरामन। इसके डोर्सल साइड पे एक स्मॉल स्क्लीराइट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ओक्यूपाइटल। हेड शो करता है 2 कंपाउंड आईज जो प्रेजेंट होती है डोर्सल लेटरल साइड्स पे। ये कंसिडर होती है एज अपेंडेजेस ऑफ फर्स्ट हेड सेगमेंट। ये कंपाउंड दिस कंपाउंड आई आर किडनी शेप, मतलब किडनी शेप की होती है, जो टॉप ऑफ द हेड होते हैं बिटवीन 2 कंपाउंड आईज के बीच में, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। 6 स्क्लेराइट्स होती हैं हेड कैप्सूल्स के, मतलब कौन सी एपिक्रेनियल प्लेट्स हो गई, फ्रोन्स होते हैं, साइलिपियस गैनी प्लांट्स, ठीक है। ये सब जो इसमें दे रखा है। थोरेक्स की अगर मैं बात करूँ, थोरेक्स रीजन की, तो थोरेक्स जो है मिडल पार्ट होता है बॉडी का। थोरेक्स कंसिस्ट करता है 3 पार्ट, प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स और मेटा थोरेक्स। हेड जो है कनेक्टेड होता है थोरेक्स के द्वारा, मतलब थोरेक्स से एक शॉर्ट एक्सटेंशन से, ठीक है, जो कि जिसको बोलते हैं हम नेक। थोरेक्स जो है 3 पेयर लेग्स के बियर करता है वेंट्रल साइड पे और 2 पेयर विंग्स के डोर्सो लेटरल साइड पे। हर एक लेग जो है वो 5 पोडोमियर से बनी होती है, ठीक है। पहले को कोक्सा बोलते हैं, ठीक है। दूसरे को यहाँ पे हम सेकेंड वाले को, जो सेकेंड पोडोमर होता है वो ट्राइंगुलर ट्रोकेंटर, मतलब स्मॉल ऐसी शेप का होता है, जो वाइबिलिटी और मूवमेंट देती है लेग को, ठीक है। थर्ड पोडोमर जो है फीमर होता है, फोर्थ वन टीबिया होता है, फिफ्थ वन टार्सस होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे एब्डोमेन की, तो इसका ब्रॉडर होता है थोरेक्स के मुकाबले में। इसका एब्डोमेन जो कंसिस्ट करता है 10 सेगमेंट, जबकि एम्ब्रियो 11 सेगमेंट का होता है। जो 10th सेगमेंट होता है दोनों सेक्सेस में, वो एक स्मॉल फाइलामेंट या सेंसरी एनल करकी को मतलब बियर करता है। जो एनल सर्कस होता है वो मेड मतलब किससे बना होता है, 15 सेगमेंट से। मेल में क्या होता है, इन एडिशन ऑफ एनल सर्काई 9th जो स्टर्नम है वो एनल स्टाइल को बियर करता है, जो अनजॉइंटेड थ्रेड जैसी दिखती है, जो कि एबसेंट होती है फीमेल्स में। फीमेल कॉकरोच में एब्डोमन जो है ब्रॉडर होता है मेल के मुकाबले। बॉडी वॉल की बात करें कॉकरोच की, वो 3 पार्ट्स शो करती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्यूटिकल जो है डिवाइजेबल होती है एपी एक्सोर एंडो क्यूटिकुलर रीजंस में। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूँ तो इंक्लूड करता है माउथ पार्ट्स को, एक लॉन्ग एलिमेंट्री कैनल होती है और एक पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स का। माउथ पार्ट जो होता है कॉकरोच का वो मैंडिबुलेट टाइप का होता है, यानी कटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है। जो माउथ पार्ट होता है वो कंसिस्ट करता है लेबरम, यानी कि अपर लिप, लेबियम, लोअर लिप, मैक्सिला सेगमेंटेड एंड रिसेम्बल आ लेग और मैंडिबल्स, हाइपोफेरिंग्स, टंग वगैरह। जो मेन स्ट्रक्चर होता है और जो वेल डेवलप्ड पार्ट होता है मेस्टिकेशन का यानी च्यूइंग का, वो होता है मैंडिबल्स, जो कि शॉर्ट होते हैं दांत के साथ। जो मैंडिबल्स होते हैं वो एज जोस काम करते हैं और यूज होते हैं क्रशिंग और कटिंग के लिए फूड मटेरियल्स की। एलिमेंट्री कैनाल की बात करो तो वो डिवाइड होती है 3 रीजन्स में, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। फोरगट जो है वो इंक्लूड करती है माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ओसोफेगस, क्रोप और घिसार्ड को। जो माउथ कैविटी होती है वो सराउंडेड होती है माउथ के पार्ट्स के द्वारा, डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, सलाइवरियम जो कि इनटू विच कॉमन सलाइवरी डक्ट ओपन्स, साइबेरियम जिसमें जो लीड करती है टुवार्ड्स माउथ एज नैरो पैसेज बाय हाइपोफेरिंग्स, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं वो इंक्लूड करते हैं एक पेयर सलाइवरी ग्लैंड का, जो कि दो पार्ट से बना होता है, एक सैक लाइक रिजर्वियर जिसको रिसेप्टिकल बोलते हैं और दूसरा होता है ग्लैंडुलर पार्ट। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं सलाइवा के वो मेनली जाइमेज और अमाइलेज होते हैं। डाइजेशन जो है इंटरसेलुलर होती है कॉकरोच में, जबकि पीछे अपने हमने अर्थवर्म पढ़ा उसमें कौन सी थी, इंट्रासेलुलर। एब्जॉर्प्शन जो होती है डाइजेस्टिव फूड की वो मेसेंटेरियल नाम मतलब ये जो होता है ऑर्गन वहाँ से जो है एब्जॉर्प्शन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का वो ओपन टाइप का होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है कॉकरोच का वो कंसिस्ट करता है एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, 13 चैम्बर्स में जो है ये क्या होता है डिफ्रेंशिएटेड होता है, जो कि मतलब दोनों साइड पे ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच का वो एक नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया कंसिस्ट करता है, जो कि 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल से ओपन और जिसको बोलते हैं स्पायरिकल्स। ओपनिंग जो होती है स्पायरिकल्स की वो रेगुलेट होती है स्पैंक्टर्स के द्वारा। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो ट्रैकियोल्स में होता है डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो वो मालफीजियन ट्यूबल्स के द्वारा होता है। जो फैट बॉडी होती है कॉकरोच की वो कंटेन करती है मेनली चार टाइप के सेल्स, ठीक है, ट्रोफोसाइट्स, माइस्टियोसाइट्स, ओइनोसाइट्स और यूरेट सेल्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बात करूँ तो जो कॉकरोच का वो कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंगलिया, टोटल 9 होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का वो मतलब पूरी बॉडी में इनका जो है मतलब इवनली स्प्रेड होता है। एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है सेंट्रल, पेरिफेरल और सिंपैथेटिक सिस्टम के साथ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कंसिस्ट करता है सेरिब्रल और सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन यानी ब्रेन, ठीक है। सेंस ऑर्गन जो है कॉकरोच में वो इनके फोटो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर भी हो सकते हैं, लेबियम भी हो सकता है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें डायोशियस होते हैं, यानी कि जो दोनों सेक्स है वो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के होते हैं। मेल ऑर्गन कंसिस्ट करता है टेस्टिस को, ओवा से डिफरेंशिया को, इजेकुलेटरी डक्ट को, मशरूम को और यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है, जिसको बोल सकते हो फैलिक या फिर कोंग्लोबेट ग्लैंड या फिर मेन गोनापोफाइसिस, ठीक है, मेल गोनापोफाइसिस। टेस्टिस जो होते हैं कॉकरोच की वो लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल सेगमेंट से, यानी कौन से 4th, 5th और 6th। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हमने अभी कौन सा किया था, अर्थवर्म हो चुका है हमारा। अब बात करेंगे यहाँ पे हम फ्रॉग की। फाइलम जो होता है कोर्डेटा होता है, इसका जो क्लास होती है वो होती है एम्फीबिया, ऑर्डर एन्यूरा, जीनस राना और स्पीसीज टिग्रीना। राना टिग्रीना जो है कॉमनली इसको बोलते हैं हम इंडियन बुल फ्रॉग, ठीक है। एम्फीबियस होते हैं ये और ये पॉन्ड्स, शैलो वाटर बॉडीज या फिर टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं। क्लोज रिलेटिव इसका जो होता है टोड होता है, यानी बुफो मेलेनोस्टाइटस, ठीक है, वो लार्जली टेरेस्ट्रियल होता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी पोइक्लोथर्मिक बोल सकते हो। ये समर स्लीप शो करते हैं यानी एस्टिवेशन और विंटर स्लीप भी हाइबरनेशन एक्सट्रीम टेम्परेचर में। बॉडी कलरेशन जो है इनका कॉमोफ्लग होता है, यानी कि कलर चेंजिंग एबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं मेटाक्रोसिस। इट इज इंसेक्टिवोरिस या कार्निवोरिस, इंसेक्टिवोरिस या कार्निवोरिस ये होता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो जो इनकी बॉडी होती है फ्रोकियो स्ट्रीमलाइंड होती है, वेल अडेप्टेड होती है स्विमिंग के लिए और लीपिंग एंड ब्यूरिंग मतलब ऐसी होती है। स्किन इनकी स्लीमी होती है, मॉइस्ट होती है बिना किसी एक्सोस्केलेटन या स्केल्स की, ठीक है। आईज इनकी डोर्सो लेटरली प्लेस्ड होती है, ठीक है, ये यहाँ पे इनकी ऐसे आईज, ये आईज होती है इनकी। एक्सटर्नल ईयर इनके एब्सेंट होते हैं, टिपनम बोलते हैं मतलब यहाँ कहीं इनके जो है ईयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बॉडी जो होती है फ्रूकी और डिवाइडेबल होती है हेड और ट्रंक में, इनकी नेक एब्सेंट होती है। ट्रक का जो एक ट्रक नहीं सॉरी पता नहीं क्या कह रही हूँ, जो ट्रंक होता है वन पेयर ऑफ शॉर्टर फोर लिम्स होते हैं उनमें, और एक पेयर जो है लॉन्गर हिंड लिम्स का होता है। ये जो हिंड लिम्स हैं ये स्विमिंग वगैरह लिए काम आते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, कार्निवोर नेचर की वजह से इनका जो एलिमेंट्री कैनल होता है फ्रॉग का वो कम होता है। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ गट का जो है क्लोइका इसमें प्रेजेंट होता है। यूरिन जो है वो भी पास होता है क्लोइकल ओपनिंग के द्वारा। यूला की एब्सेंस के कारण जो बकल कैविटी होती है और जो फेरेंक्स होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। बको फेरेंक्स कंटेन करता है न्यूमरस मैक्सिलरी टीथ, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ, फ्रॉग रेस्पायर करता है अपनी स्किन के द्वारा, क्यूटेनियस इसमें रेस्पिरेशन होती है। लंग्स होलो होते हैं, नॉन लोबुलर होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर टाइप के होते हैं।
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करूँ तो वो कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है, डबल सर्कुलेशन होती है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं होता जितना कि बर्ड्स और मैमल्स में होता है, उसके कंपेरेटिवली कम एफिशिएंट होता है। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, 2 आर्टरी 1 वेंट्रिकल, ठीक है। नर्वस सिस्टम में बात करूँ तो फ्रॉग के पास जो है 3 टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जिसमें आता है, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आते हैं, और एक होता है ANS यानी जिसमें SNS और PSN दोनों आते हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की बात करूँ फ्रॉग में तो 10 पेयर्स ईच होते हैं। राना टिग्रीना की अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो नंबर होता है स्पाइनल नर्व्स का वो 9 पेयर का होता है। ब्रेन जो होता है, ब्रेन में सेरिब्रल हेमिस्फेयर कम डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, मैमल्स के कंपेरिजन में इनके। सेंसरी ऑर्गन की बात करूँ, जो आईब्रो होते हैं फ्रॉग के वो कार्टिलेजनियस होते हैं, यानी कि जो कलर विजन होता है वो कम होता है इनमें, किसकी वजह से है, कॉन्स की एब्सेंस के कारण, ठीक है, रेटिना में कॉन्स नहीं होते, उसके एब्सेंस के कारण कलर विजन इनका अच्छा नहीं होता। लैक्रिमल के और मियोबोमियन की ग्लैंड जो होती है उनकी उनके प्लेस पे इनके पास होते हैं हार्डेरियन ग्लैंड, ठीक है। फ्रॉग्स में जो सेंसरी पार्ट होता है हियरिंग के लिए वो इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग, उसको बोलते हैं पार्स बेसिलेरियस और पार्स लेगिना। जो कोकलिया और ऑर्गन होते हैं कोटाई के वो अब्सेंट होते हैं। राउंड विंडो फेनिस्ट्रा रोटुंडस इसको बोलते हैं, वो मिडल और इंटरनल ईयर के बीच में एब्सेंट होते हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ, जो किडनी होती है फ्रॉग की वो मिसोनेफ्रोस होती है, यानी कुछ मतलब ये ऐसी किडनी होती है जो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है कोर्टेक्स और मेडुला में। हर एक किडनी के पास 4 से 5 पेयर रेनल आर्टरी और विंस की होते हैं। जो नेफ्रेंस होते हैं या यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स इसको बोल सकते हो, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते PCT DCT और हेनलीज लूप में, जो कि आप एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हो, ठीक है। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है फ्रॉग का वो होता है यूरिया, यूरियोटेलिक होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है, मतलब इसमें बेसिकली क्या देगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी जो ओवरीज होते हैं वो किडनी के पास ही होती है, मतलब लेकिन मतलब टेस्टी से बिल्कुल अलग, ठीक है, जो मेल में होता है फंक्शनली कनेक्टेड नहीं होती इससे, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एक कंडीशन है, क्या होता है ये, सिर्फ थायरोक्सिन हार्मोन के प्रेजेंस में होता है, यानी कि थायरोक्सिन या आयोडीन की डेफिशिएंसी में जो टैडपोल होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं साइज में और अंडरगो नहीं करते मेटामॉर्फोसिस। जो इमरजेंस होता है फोर लिम्स का आउट ऑफ अपरकुलम वो फर्स्ट साइन होता है मेटामॉर्फोसिस का। नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें कम अफेक्ट होता है और जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है फ्रॉग की, ये लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है टीचिंग और रिसर्च के पर्पज़ के लिए। इंसेक्टिवोरस होने के कारण ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को इंसेक्ट पेस्ट से और सेव करता है एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, जो मतलब खेतों में हम यूज़ करते हैं फार्मर्स वगैरह। मस्कुलर लेग्स जो होती है उसकी फूड और पिकल के तौर पर यूज़ की जाती है। जो फ्रगलेट्स होते हैं टैडपोल्स जो होते हैं उनको एज फिश बेट्स यूज़ किया जाता है। फ्रॉग जो होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट लिंक फॉर्म करते हैं इकोसिस्टम के बीच में और मेंटेन करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर ये फिनिश हो गया है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।